નમસ્કાર દર્શકો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ. અંતરંગ, આજે આપણી સાથે એવા સ્ટાર જીમી શેરગિલ. જીમીજી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમ. નમસ્કાર જીમીજી. સબસે પહેલે તો પૂછના ચાહુંગા કે એક શરૂઆત હુઈ એક એસે કલાકાર કે સાથ, ઉનકો કલાકારી કહુંગા ક્યોંકિ ઉસ કલાકારને બહોત સારે કલાકારો કો જન્મ ભી દિયા. ઉનકી એક એક લાઇન સે કઈ લોગો કો નયે સપને ભી દિખતે થે. गुलजार जी के साथ शुरुआत हुई और आज गैंगस्टर तक. सो मैं कहूँगा कि गुलजार से गैंगस्टर तक ये जो पूरा सफ़र है राधर, क्योंकि 17 साल 95 से 2013 कहाँ बीत गया, क्या मालूम पड़ा? यार मालूम तो पड़ता है. मतलब माचिस जब मैंने की थी, माचिस आई थिंक 96-97 में स्टार्ट हुआ था. जी हाँ, तो 96-97 में रिलीज़ हुई थी माचिस, और उसके बाद फिर दो तीन साल तक आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग. मैंने और फिर मोहब्बतें जो है वो मिली. मोहब्बतें से फिर एक वो जो कमर्शियल जर्नी शुरू होती है फिल्मों में, वो शुरू हुई और अलग अलग टाइप की फिल्में की. और आज राउंड अबाउट 50 फिल्म्स जो हैं वो, 50 फिल्में जो हैं वो अगर काउंट करूँगा मैं अपनी, 5-6 जो मैंने पंजाबी की हैं और बाकी की हिंदी. तो आई थिंक दैट इट्स मोर देन 50 फिल्म्स दैट आई हैव डन टिल डेट. ये 15 साल 17 साल मोर देन 50 फिल्म्स, जिमी जी ने खुद को मोल्ड होते हुए देखा या व्यूअर्स को मोल्ड होते हुए देखा? देखिए, कोई भी चीज़ प्लान नहीं कर सकते हो आप. आई थिंक इन माई केस हुआ ये कि जब मोहब्बतें रिलीज़ हुई थी तो लोगों ने कहा कि ओ ये तो चॉकलेट बॉय इमेज में फिट होता है. तो वहीं से मैंने कहीं ना कहीं अपना कुछ ज़रिया ढूंढना शुरू कर दिया था जो कि मुझे उस में फंसने ना दे. सो आई एम ग्लैड कि मैंने एक हासिल जैसी फिल्म जो है वो की उस वक्त. मतलब कोई एक फॉर्मेट में, कोई फ्रेम में खुद ही फिट होना नहीं चाहते थे? मैं नहीं चाहता था कि मेरे को मतलब वही एक इमेज बन जाए कि चॉकलेट बॉय, बस वही रोल मिले और कुछ मिले ना. तो वो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि कुछ ऐसा मिले, और हासिल मिली मुझे शुरुआत में ही मिली. और हासिल जो है वो उस पर काम चल रहा था, सारा कुछ है. तो कहीं ना कहीं हासिल जैसी फिल्मों ने, फिर उसके बाद मुन्ना भाई ने, फिर उसके बाद वेडनेसडे या फिर यहाँ, ये सारी फिल्मों ने उस वक्त जो है एक बैलेंस बनाए रखा अपना कि कहीं भी किसी एक पर्टिकुलर इमेज में एक इंसान ना फंसे. नाउ ये जो आपने बताया कि आप खुद चाहते थे, ये बात कहाँ से जहन में आई थी राधर? क्योंकि इतनी धीरे 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 एक एक फिल्म मिलते जाना, नए नए रोल्स करते जाना, ये बात कहीं ना कहीं एक फीडिंग होता है. क्या किसी के एक्सपीरियंस से आपने खुद ने सोचा कि यार मुझे नहीं जब आप कर रहे होते हैं 7 फिल्में या 8 फिल्में उस टाइम पे, तो आपको समझ में आ रहा होता है कि यार ये मैं सारी की सारी ऐसी कर रहा हूँ फिल्में, और मैं अगर देखूँ तो ये जो 8 फिल्में हैं इसमें से 7 मेरी जो हैं वो रोमांटिक फिल्में हैं. आप समझ रहे हो? दैट मीन्स वॉट, कि मतलब आपको ऑफर ही रोमांटिक फिल्में हो रही हैं. मतलब आप कहीं लोग आपको इस फ्रेम में फिट कर देना चाहते हैं जिस तरह से इमेज. देखिए जो चीज़, देखिए क्या है ना, इंडस्ट्री में होता क्या है कि आपने एक एक्शन फिल्म की, वो एक्शन फिल्म चल गई, उसके बाद आपको एक्शन ही के लिए बुलाएंगे वो लोग. वो जो कि धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में अब चेंज हो रहा है. पीपल आर टेकिंग चैलेंजिंग स्टेप्स एंड बोल्ड स्टेप्स कि नहीं यार वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये एक और कुछ और इंटरेस्टिंग भी है तुम्हारे लिए हमारे पास. सो आई थिंक अदरवाइज उस टाइम पे यही होता था. तो अगर आप रोमांटिक फिल्म में चल गए हो तो फिर आप वो रोमांस में ही घिसाई करोगे अपनी. ओके जिमी जी, आप खास में बात करो क्योंकि एक जाट परिवार से, बचपन से क्या एक्टिंग, क्योंकि आपने एक्टिंग एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया जबकि मैं कहीं स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लिए थे. ये कहाँ से एस्टैब्लिश हुए जिमी जी कि यस यार ये बंदे में तो एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, वो कौन सा? वो देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था. जब मैं स्कूल में था
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊँगा. मुझे उस टाइम पे फोर्सिबली उठा के स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता था कि तुमको ये अपने अपनी टीम के लिए लड़ना पड़ेगा और तुम हमारी टीम की तरफ से वो डिबेट लड़ोगे, ये करोगे वो करोगे. और मैं हमेशा सोचा करता था यार मुझे क्यों उठा खड़ा कर देते हैं यार, मुझे नहीं करना है. क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो था, माउंटेनियरिंग में और इन सब चीज़ों में. तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मुझे उठा के इस पर कर दिया जाता था. फिर वो एनुअल प्ले जो हुआ करता था हर टीम का, हाउस का, उसमें मुझे लीडिंग रोल दे दिया जाता था. मेरे को समझ नहीं आता था. मैं कहता यार ना मेरी कोई ट्रेनिंग है ना मेरा कोई, मुझे क्यों बार बार ये बलि का बकरा बना देते हैं. तो वैसा वाला एक माहौल था उस टाइम पे. खैर एनीवे स्कूल फिर ख़त्म हो गया, कॉलेज में चले गए, कोई इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था हमारा. लेकिन आई थिंक डेस्टिनी जो होती है, किस्मत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए लिख के रखती है. और जब मैं बॉम्बे आया और मैंने रोशन तनेजा साहब के यहाँ पे अपनी एक्टिंग क्लासेस की, उस दिन मुझे पता चला कि शायद जो भी उस वक्त हुआ था और मुझे स्टेज पे खड़ा किया गया था वो सब चीज़ें जो विधि का विधान था, जो कहीं आने वाले दिनों में जो डायरेक्शन मिलने वाला था, उसका कहीं शुरुआत थी. यहाँ रोकूंगा जिमी जी, एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का. दर्शक मित्रों समय दो विराम नो, विराम बाद बातों करीशू जिमी शर्गिल साथ. विराम बाद फिर एक और स्वागत है अपने कार्यक्रम अतिथि में. जिमी जी, आपने बताया कि रोशन तनेजा जी के वहाँ जब गए, तब आपको लगा कि यार ये जो शुरुआत हुई थी, जो स्टेज पे चढ़ा देते थे, लीडरशिप दे देते थे कि यार तुझे करना ही है, और ये बात अभी कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे. लेकिन ब्रेक मिलना, रोशन तनेजा साहब हो या कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स, या तो कई लाखों लोग जो सपने लेके इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन कहाँ उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है किसी को मालूम भी नहीं होता है. द फर्स्ट चांस, हाउ यू गॉट दैट? देखिए हमारे अगर टाइम की आप बात करें, विच इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड व्हाट 93 आई एम टॉकिंग अबाउट, सो ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं इस चीज़ को. और उस टाइम पे गिने चुने बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते थे 5-7 होते थे. और वही फिल्में बनाया करते थे और उन्हीं के पास सबके सब जो हैं वो राउंड्स लगाते थे, फ़ोटोएं छोड़ के आते थे. मैंने आई थिंक जब मैं बॉम्बे पहुंचा था, मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली थी कि इससे वो फ़ायदा है नहीं. आप चले जाओगे, आप जाके फ़ोटो रख दोगे, ऐसे कोई कैसे बस आपकी फ़ोटो देख के और बोलेगा वाह भाई वाह इसको ले लेते हैं हीरो. मैंने कहा इतना आसान तो है नहीं बॉस ये. तो मैं समझ गया था. मैंने कहा तो मेरे को ये फालतू में ये जो टाइम वेस्टेज होती है मैं ना करूं, इससे बढ़िया है कि मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो है अपनी एक्टिंग क्लासेस में या कहीं पर लगा लूँगा. फिर आई थिंक मुझे ऑलमोस्ट साल हो गया था, 1.5 साल एक्टिंग क्लासेस करते हुए, मुझे किसी ने बताया था कि गुलजार साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें जो है वो तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई. मैंने कहा मेरा कोर्स अब ख़त्म होने वाला है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ गुलजार साहब को जाके मिलता हूँ, शायद 9th या 10th असिस्टेंट अपना अगर रख लें मुझे क्लैप ऐप पकड़ने वाला, तो कुछ मैं सीख भी जाऊँगा सिनेमा के बारे मतलब में. मतलब आप प्रोडक्शन में जाना चाहते थे? नहीं, जब मुझे ये था कि प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में कहीं पे भी मौका मिल जाए. आई डोंट वांट टू गो होम, बैक होम, मतलब वापस दिल्ली पंजाब जाके मैं क्या करूँगा, गैप आ जाएगा. तो मैं यहीं रह के कुछ कर लूँ, और एक बार आपको कुछ काम मिल जाता है तो फैमिली बोलती कि हाँ ठीक है चलो वहीं पर अपना वो कर रहा है कुछ ना कुछ. बस वहाँ गए, आई थिंक वो कहीं ना कहीं गुलजार साहब के दिमाग में कुछ रहा होगा कि एक कैरेक्टर में उन्होंने कहीं कुछ देखा होगा. तो उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ लो और बाल उगा लो सॉरी बाल उगा लो और दाढ़ी उगा लो, यू आर डूइंग द रोल. सो हालांकि रोल छोटा था बट फिर भी इतनी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि ओ रोल मिल गया, कुछ मिल गया. एंड आई डोंट हैव टू गो बैक नाउ.
सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। यहाँ यहाँ जिमी जी पूछना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि इतना टाइम हो गया मुंबई के अंदर, उसके बाद आप वो चाह लेके गए थे कि सेवन्थ एट्थ कोई भी पोजीशन पे उनके अंडर में मुझे काम करा है तो मैं कर लूँगा। एक निराशा भी छाई होती है, उस निराशा के दरमियान बहुत सारे ऐसे सोच भी कुछ दिमाग में आते होंगे, उस वो वक्त कैसे आपने पास किया रादर, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरी कोई भी आर्टिस्ट होता है जो इस फील्ड में आना चाहता है। और ये बात मैं इसलिए आपसे थोड़ा ब्रीफ में जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं शो, लाखों लोग, उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो कि इस फील्ड में आना चाहते होंगे या तो आए होंगे और इसी निराशा की गर्ता से पास होते होंगे। जी हाँ, आज तो देखिए आज तो बहुत कुछ बदल गया। आज तो टेलीविज़न पे इतने चैनल्स हो गए हैं, इतने सारे रियलिटी शोज़, इतना सारा कुछ। उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, सो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम का एक माहौल ही डिफरेंट था। क्या स्पेसिफिक जिमी जी को कौन सा एक वो ऐसे ख्याल आते थे ज़्यादातर? नहीं, मैं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं मैं हमेशा हर इंसान को बोलता हूं कि जब आप लोग घर से निकल के आते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने मदर फादर का आशीर्वाद लेके आइए, क्योंकि जब तक उनका आशीर्वाद लेके नहीं आएंगे ना तो आप मेंटली वहाँ पर रह पाएंगे, ना फाइनेंशियली आप वहाँ पर सेटल हो पाएंगे बॉम्बे में। इट्स नॉट एन ईजी प्लेस। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उनका आशीर्वाद लेके निकलिए तो बेटर है, क्योंकि दे आर देयर बिहाइंड यू फाइनेंशियली टू सपोर्ट यू एंड एवरीथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। रादर मॉरल सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट, बिल्कुल सारा कुछ। तो आई थिंक वो चीज़ जो है वाज ऑलवेज देयर इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, कि हमारे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कभी भी ऐसा थोड़ा बहुत थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता था कि डिप्रेशन सा हो रहा है, मैं अपनी टिकट बुक कराता था, मैं चला जाता था वापस घर कुछ दिन जाके अपनी फैमिली के साथ और सब कज़न्स के साथ, सबके साथ अपना बिता के कुछ दिन इंजॉय करके वापस आता था। बातें हुई होती होगी, जिमी क्या कर रहे हो, तब कुछ कभी ना कभी तो ऐसे झूठ बोलना पड़ता, हाँ यार है कुछ बात हो रही है ऐसे करके। नहीं नहीं, सबको पता था कि मैं अपनी एक्टिंग क्लासेस करने गया हुआ हूँ बॉम्बे। और मुझे देखिए क्या चक्कर क्या है ना, कि जब मैं एक्टिंग क्लासेस करने आया था, लोगों को पता था कि मैं एक्टिंग क्लासेस करने आया हूँ, मैं छुपा वपा कुछ नहीं किसी से करता हूँ। और उसके बाद फिर माचिस मिली, उसमें छोटा रोल था, मैंने सबको बोला कि भाई छोटा रोल है उसमें, ऐसी कोई वो नहीं है। तो बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला कि यार तुम क्यों कर रहे हो छोटा रोल, थोड़ा वेट करो। बट मुझे अंदर से पता था कि मैं गुलजार साहब के साथ काम कर रहा हूँ, घुसना है अच्छा और इंडस्ट्री में, एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में, वो कुछ सिखाएंगे, कुछ उनसे सीखने को मिलेगा मुझे। खेमे की बात आती है, यहाँ खेमे की बात आती है, चर्चा होती है कई बार, कई लोग बोलते नहीं है, लेकिन आई विश की जिमी जी सच बात हमें बताएंगे, खेमा कितना चलता है, सिंडिकेट्स कितनी चलती है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कैंप्स की बात करें, चलते भी अगर दूसरे कैंप के कहीं आपके वो नाराज, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आई डोंट थिंक कि इसमें चले गए तो उसमें कोई नाराज़ हो जाएगा। नाराज तो कोई तब होगा जब आप कोई नाराज अगले को करने लायक कोई चीज़ करेंगे तो, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि किसी भी कैंप में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी सब कैंप्स के साथ काम कर रहे होते हैं वो, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। आप कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोलोगे, किसी को इफ़ यू रब देम द रॉन्ग वे, तो फिर अगला तो आपसे अपसेट होएगा ही ना। लेकिन द थिंग इज़ दैट बट आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा कोई कैंप्स वाला या ऐसा कोई चक्कर जो है, ये आई थिंक ज़्यादा लोगों की परसेप्शन में जनरेट करके किया जाता है। आप नहीं मानते कि ऐसे कोई कैंप्स या तो कोई, देखिए कैंप्स एक होते हैं कि जैसे आप प्रोड्यूसर हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं आप ही के साथ फिल्म बना रहा हूँ, आप ही मेरे प्रोड्यूसर हो, मैं बाहर काम ही नहीं करता हूँ, तो आप और मैं एक कैंप हो गए। अब हमारे साथ जो भी रोज़ के बैठने वाले बंदे हैं वो हमारा कैंप हो गए। लेकिन अगर अभी यहाँ पे माही गिल जी आ जाते हैं, इरफान भाई आ जाते हैं, वो बैठते हैं, लेकिन वो हमारे कैंप में तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि इरफान भाई पांच और कैंप्स में काम कर रहे हैं, माही पांच और कैंप्स में काम कर रही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब परसेप्शन होती है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कुछ भी कि कोई कैंप या कुछ एंड ऑल दैट।
चार लोग इकट्ठे चार दिन बैठ जाते हैं प्यारी दोस्ती में, तो उसको कैंप बना दिया जाता है। इतना इतना नहीं है जितनी जितनी बातें, हाँ, जितना कि ये है। यहाँ आगे नहीं रोकूंगा छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शक मित्रों समय दो जो विराम नो, अंतिम तबक्का नहीं हुआ तो जिमी शर्गिल के साथ। जिमी जी, लास्ट सेशन इस टॉक शो का, अपनी खुद की चॉइस अगर पूछी जाए, किससे काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, या तो अभी भी ड्रीम है कि इनके साथ तो मुझे काम करना ही है यार एक बार? देखिए, मेरी अगर आप ड्रीम पूछेंगे कि किसके साथ काम करना मैं चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। उनके अलग अलग रीजंस हैं। कुछ लोगों के साथ मैंने काम किया और मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ काम करना, जैसे कि राजू हिरानी, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा भी आया हमें। उसके अलावा तिग्मांशु धूलिया, मेरा बस चले तो मैं उनकी हर फिल्म में हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। आनंद राय हैं, मित्र भी हैं और बहुत अच्छे निर्देशक भी हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उन्होंने तनु वेड्स मनु बनाई थी और अब तनु वेड्स मनु सीज़न 2 शायद अब बनेगी, तो वो शुरू होने वाली है। नीरज पांडे के साथ बहुत मज़ा आता है काम करके, स्पेशल 26 में भी हमने साथ में काम किया, उससे पहले ए वेडनेसडे में। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि गुलजार साहब के साथ काम करने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन कुछ अभी 2-3 हफ्ते पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि गुलजार साहब ने कहीं लिखा था कि I am not going to direct a film, I am too busy with my writing. वो मैं थोड़ा सा मुझे धक्का लगा था, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू डू वन फिल्म विद हिम, कहीं ना कहीं कैसे भी, कितना भी छोटा किरदार हो या कुछ भी हो, क्योंकि क्या है, उनके साथ मेरे करियर की शुरुआत हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उनके साथ और काम करूँगा तो मुझे बहुत ऐसा लगेगा कि मैं समझ पाऊँगा अपने आप को कि मैं इतने सालों में कहाँ तक पहुँचा हूँ। कहीं वो एसेस करके बताएंगे मुझे कि यस यहाँ से यहाँ तक, या तो खुद सेल्फ मतलब खुद को, हाँ, आदमी को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जी जी फिल्म सक्सेस, फिल्म की फॉर्मूला मुझे मालूम है कि आज तक बातें होती है, कोई अभी वो फॉर्मूला ढूंढ नहीं पाया, फिर भी व्यूअर्स की जो चॉइस बदलती रहती है, आज के व्यूअर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कोई फिल्म खुद जी सोचे, जैसे पंजाबी में यू स्टार्टेड, रंगीले भी आपकी जो कमिंग आ रही है, क्या आप चाहेंगे कि किस तरह की फिल्में अभी आज के दौर में होनी चाहिए? देखिए, ऑलरेडी वो चीज़ जो है प्रूव हो चुकी है। इस पिछले साल की अगर हम बात करें, ऐसी फिल्में पान सिंह तोमर, कहानी, विकी डोनर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बर्फी, ये सारी फिल्में, मतलब इस टाइप की फिल्मों ने जिन्होंने क्रिटिकल अक्लेम भी जो है वो कमाया, और उसके अलावा कॉमर्स भी इनकी बहुत अच्छी रही है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा साल रहा है जिसमें कि ऐसी फिल्में जो कि नॉर्मली रियलिस्टिक कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी, ऑफ बीट कैटेगरी में मानी जाती थी, वो आज कमर्शियल साइड, क्रिटिक भी उसको सही तरह से देखे और बॉक्स ऑफिस ने भी उसको सही अंजाम दिया। जी हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो बदलाव अब आप देख सकते हैं ऑडियंसिस के अंदर आता हुआ। कहीं ना कहीं वो एक ट्रेलर देख के समझ जाते हैं कि ये फिल्म अच्छी होने वाली है, हमने जाके देखना है, और तभी इन फिल्मों ने इतना अच्छा बिजनेस किया है, चाहे वो पान सिंह तोमर हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, विकी डोनर हो, कहानी हो, बर्फी हो। सो आई थिंक वो बदलाव जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, और वो ऑडियंस जो है अलग अलग टाइप की फिल्में अब इंजॉय कर रही है, तो देर इज़ नो सेट फॉर्मूला। All of a sudden you will see one of these kind of films only going beyond 120 crores. So Soha Ali ji ke saath aapka scene, kyunki Soha Ali ji ke saath ye intimacy wala pehla scene tha, hai ji, intimacy wala jo scene tha aapka jo is film mein hone ja raha hai, aapne bhi likha tha ki yaar I am not feeling comfort, ये हुआ था क्या 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 था, क्योंकि ये ऐसे सीन जब आते हैं, और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जिमी जी भी खुद एक हटके कैरेक्टर है, इंडिविजुअल एक इंसान भी एक हटके जो कुछ करते हैं, तो भी अपने आप को कभी वो सोच के अलावा जो अपने दिमाग अगर सेट नहीं होता तो नहीं कर सकते,
वो सीन के लिए भी बहुत मीडिया ने, देखिए जी ऐसा है चक्कर कि मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है फिल्म के अंदर, मैं व्हीलचेयर पे हूँ और मेडिकली अनफिट हूँ ये सब करने के लिए, तो मजाक कर रहा हूँ लेकिन सॉरी मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। आई थिंक साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स में साहिब का कोई ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिशियंस के बारे में क्या कहना है, क्योंकि अपने खुद के एक अलग विचार भी रखते हैं, बहुत तोल तोल के अपने विचार रखने वाले हैं जिमी जी। पॉलिटिशियंस के बारे में, पॉलिटिक्स तो आप हमारी फिल्म में देखिएगा ना, अभी साहिब बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स में आपको बड़ी धमाकेदार पॉलिटिक्स दिखने वाली है, वही आपको, उसी से आपको पता लग जाएगा। हम ये थोड़ी घुमाने वाले हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी इंडियन पॉलिटिक्स को मैं जनरलाइज क्या कर सकता हूँ, मैंने भी काफ़ी लोगों को करीब से देखा है पॉलिटिक्स में, कई लोगों के इंटेंशंस बहुत जेन्यून होते हैं, कई लोग जेन्यूनली अपनी जगह के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके, मैंने उन्हें रात 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 भी अपने फ़ोन ऑन रखते हुए देखा है करीब से, अपने ही फैमिली के कुछ लोगों को। तो आई थिंक इंसान इंसान पे डिपेंड करता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, और जनरलाइज मैं नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ मतलब जो चीज़ अपने काबू के बाहर है उसके बारे में ज़्यादा बोल। ओके, और एट लास्ट खुद की हॉबीज के बारे में बताएंगे। मेरी ऐसी कोई खास हॉबीज़ ऐसी फिक्स्ड कुछ नहीं है, मुझे फिल्में देखना पसंद है, मुझे टेलीविज़न सीरीज़ देखना पसंद है, पढ़ने का काफ़ी शौक़ था लेकिन अब एक ही पॉइंट पे इतनी इतनी स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, और सिंस आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू रीड एंड डिसाइड कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं फिल्म, तो वही इतनी हो जाती हैं पढ़ने के लिए, फिर साइमल्टेनियसली आप कोई कोई बुक या कुछ, आई लाइक टू रीड समथिंग टू डू विद हिस्ट्री समथिंग, यू नो ऐसी कुछ किताबें, एंड उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रिलैक्स करना, अगर जैसे दो दिन का ऑफ, सडनली बीच में दो दिन का ऑफ आ गया, तो रादर देन बीइंग इन बॉम्बे मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेके वी ड्राइव डाउन टुवर्ड्स पुणे या यू नो उधर दो दिन के लिए शांति से फिर आप रह सकते हो, और थोड़ा क्वालिटी टाइम जो है फैमिली के साथ बच्चे के साथ आपको मिल जाता है। इंस्पिरेशनल कोई एक स्टेटमेंट जो आपको जिंदगी भर वो याद रहता है या तो उसको फॉलो भी करता है? मैं फॉलो करता हूँ जो गुलजार साहब ने मुझे कहा था माचिस की रिलीज से पहले, उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी फिल्म का हश्र जो है अपना हश्र मत होने देना, ये मत सोचना कि अब ये हिट हो गई और अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कभी ऐसा सोचना कि अरे ये फ्लॉप हो गई तो अब मैं बर्बाद हो गया, अपना काम करते रहना, और काम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वर्क विल गेट यू आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ लॉस, ये सारी चीज़ों को मैंने जो है वो फॉलो किया है काफ़ी क्लोजली, और कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि आप काम करते रहते हैं तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, तो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं बिकॉज यू आर बिज़ी, यू आर मूविंग ऑन, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, और आप कभी भी किसी एक फिल्म को अपनी किस्मत नहीं बना रहे हो। लाइफ में डर किस बात का रहता है? आई थिंक मुझे अगर डर रहता है इज़ ऑलवेज ऑफ लूजिंग योर क्लोज वंस, आई मीन उससे बड़ा डर आई डोंट थिंक किसी को होता होगा किसी के लिए। आई थिंक सबसे बड़ा डर हर इंसान का यही होता है कि मेरी फैमिली मेरा ये ना मुझसे छिन जाए। भाभी जी को आपकी कौन सी बात पसंद नहीं आती है? वो एक चीज़ है जिसमें कि वो जानती हैं कि मैं बहुत बड़े लेवल तक ढीठ हूँ, वो ये है कि मैं अगर बीमार पड़ भी जाता हूँ, अगर मुझे कहीं कॉफ हो जाएगी या कोल्ड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वो कहते रहेंगे कि तुम दवाई ले लो, दवाई ले लो, और मैं जब तक वो
एक लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं नहीं लूंगा। उस पे भी लेवल चाहता तक पहुंचने की बातें कुछ करेंगे हम। तो चाहता हुआ भी बस वो कई लोगों को होता है कि यार नहीं लेनी दवाई ऐसा ये वो, तो आई थिंक वो चीज़ उनको इरिटेट भी काफ़ी करती है। और मुझे याद इसलिए है क्योंकि अभी मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ और फ़ोन पे मुझे सुनना पड़ता है। एक ऐसी बात अंतिम सवाल, एक ऐसी बात, ज़्यादातर इस प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब लोगों ने बहुत हटके दी है। एक ऐसी बात जो आज तक बहुत कम लोगों को बताई आपने, जो आपको गिल्ट फील करा रही थी, कोई कैसी गलती, कोई ऐसा कन्फेशन? देखिए बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने ना अपना मोहब्बतें के बाद ऑलमोस्ट 2 साल के लिए मैंने डे नाइट काम किया था। इतना तक कि मैं बीच में अपनी जब मेरी शादी भी हुई थी तो मैं 2-3 दिन के लिए गया था, और 2-3 दिन में सारे 4 दिन में वो सारे फंक्शंस ख़त्म करके एंड आई वॉज बैक टू शूटिंग। और कहीं पे भी वाइफ को ले जाने का मौका नहीं मिला बिकॉज इतना शेड्यूल उस टाइम पे पैक्ड था। तो वो 2 साल लगातार काम किया और सडनली फिर सब फिल्में जो हैं कंप्लीट करके एंड वी डिसाइडेड कि हम 1-2-4 महीने की वेकेशन पे जाएंगे। और मुझे आज तक याद है कि वो जाने से पहले मैंने सब लोगों के साइनिंग अमाउंट्स और सब कुछ लौटा दिए थे कि बॉस अब आई वांट टू टेक माय टाइम इन द मिडल, और अब से मैं शायद 1 ही फिल्म करूँगा साल में और उस टाइप का। तो मतलब वो आई थिंक कहीं ना कहीं आज आपको खटकता है और आप कहते हो कि यार काश मैंने वो ना किया होता कि मैं मतलब अपना चलो ठीक है आई शुड हैव गॉन फॉर अ वेकेशन कम बैक रिलैक्स करके और अपना काम शुरू कर देना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। दर्शक मित्रों आदि खास मुलाकात जिमी शेरगिल जी साथ नहीं। एक एवं कलाकार के जे एक अलग ड्रीम लई ने आया था, कदाच क्या कहवाय छे के जे माणसे स्वप्न जोयुं छे तेनुं चोक्कसपणे पूर्ण थाय छे, अने एनो ज एक उदर्श आदर्श उत्कृष्ट उदाहरण छे जिमी शेरगिल। इंडस्ट्रीमां प्रवेशवा मांगता अने इंडस्ट्रीमां स्ट्रगल करी रहेला घणा बधा लोको माटे तेमनी कहेली वातो એ કદાચ આદર્શરૂપ મળી રહેશે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક્સ અગેન, થેન્ક યુ।